हाइजीन, मेंटल हाइजीन, इमोशनल हाइजीन एंड सोसाइटल हाइजीन। ओके, तो बस पॉइंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हाइजीन। इधर बैठेंगे, हाइजीन, हाइजीन हैज कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हाइजिया, मींस गुडनेस ऑफ हेल्थ, गुडनेस ऑफ हेल्थ। सो हेल्थ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पर्सनल हाइजीन। आप खुद को कितने हाइजीनिक है, देन ओनली यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट योर सेल्फ टू द सोसाइटी। आप पर्सनली हाइजीनिक है तो आप मेंटली भी हाइजीनिक हो गए, बिकॉज फिजिकल एंड मेंटल, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी। सुना होगा बहुत, कहीं सुना है, साउंड माइंड प्लस इन द साउंड बॉडी। तो फिजिकल हो गया, मेंटली हो गया, देन ओनली वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू समथिंग। ओके, पर्सनल हाइजीन, ear।
एक लेयर जैसे एक सर्फस को छिपाता है, ब्लैक कि एडवर्टाइजमेंट आता है ना कि ये क्या करें, ये ऐसा चिपक के बैठे, जो भी खाना खाते चिपक के बैठे। तो यू हैव टू टेक ट्वाइस, यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, वन इज मॉर्निंग, वन एट नाइट आफ्टर टेकिंग योर सपर डिनर। एंड प्रॉपर इसका तरीका भी है, ऐसा नहीं कि ये कर दिया पूरा, अप एंड डाउन, अंदर से बाहर, ये वाला अंदर से बाहर, अंदर से ऐसा, हर चीज के एक तरीका, दिस अ मेथड। That we have taken in class about the dental hygiene. आपने already video में you can check it out. So you have to take care of this. क्योंकि अगर properly care नहीं किया तो उसमें caries होते हैं और later on दांत से smell आता है, bad odor. Okay? So you can go for flossing. Flossing मतलब एक ऐसा धागा देखा होगा इसके बीच में floss करते हैं। वो क्या होता है? दांत के बीचों बीच और gums के बीच में जो भी tooth particles बैठता है उसको निकालने के एक तरीके है फ्लोसिंग। सो देखा होगा एक ऐसा एक थ्रेड। अब सब लोग को डाउट रहता है, तुम लोग को पूछने के लिए शर्म आती है, तुम किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हो, पापा से नहीं पूछ सकते हो, फ्रेंड से नहीं, फ्रेंड से पूछा तो है अरे मेरे को भी वैसे, मैं किससे पूछ मांगने, चल वैसे ही हो गई। सो आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। नाउ कम्स स्पॉट और मुस्टैच है थोड़ा जरा। ये सब क्या है? हमारे बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस हैं, एक एक स्टेज में जो जो हार्मोनल चेंजेस के उसका रिजल्ट है मुझे आते हैं। आर्म्स के नीचे आर्म पिट में आपने देखा एक्सिलरी, इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी, आपने देखा बाल होगा, एक्सिलरी है, आए हो गए उनके बाद बच्चों के होगा सेम। हाँ सेम है प्यूबिक, हमने जो आपका जो आपका प्राइवेट एरिया है इस एरिया को हम प्यूबिक बोलते हैं, PUBIC, remember this word, pubic area, और ये axillary, armpit के यहाँ पर रहता है axillary, तो यहाँ पर आपने देखा होगा axillary hair are there and pubic hair are there, okay? Now when you grow up, there will be changes, you can see, lot of confusion will be there, lot of anxiety and frustration will be there. तो ये जब बाहर आते हैं, यहाँ पर बाहर आते हैं एक्सलरी एक्सलरी हेयर आते हैं आपके यहाँ विकेट से मेरी मुझे आती है तब भी समझ में आता है। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट द एक्सलरी हेयर, इसको एक्सलरी हेयर बोलते हैं, मतलब प्यूबिक हेयर, PUBIC है। ओके, व्हेन यू गो फॉर बट आपने थोड़ा सा शर्ट डाल दिया वहां तक घूमे यहाँ पर एंड बॉडी स्प्रे मारते जाओ या कुछ भी कर दो, डिओडोरेंट मारो, कोई फायदा नहीं। ये बॉडी का आपका नेचर है, दैट यू कैन टेक केयर बाय प्रॉपर, यू टेक प्रॉपर बाथ, दिन में दो बार प्रॉपर बाथ करिए, उससे ज्यादा क्या है प्रॉपरली ट्राई करिएगा हर चीज में। एंड स्पेशली यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस एरिया जो बोलते हैं, बिकॉज If you get an injury here, this area, मैं इसलिए बोलता हूँ फुटबॉल या क्रिकेट जब भी खेलते समय we used to have what है AP abdominal guard, यहाँ पर हम लोग guard protect करने के लिए बोलते हैं। If you get an injury and वो lifelong के लिए वो problem है। मेरा life experience है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरे friends के बाद एक injury हो गया, coma state में गया हुआ। So don't think that if you get an injury वो आपको कुछ होगा नहीं। So please, while when you play football, go for a kick, keep a hand here. That's why ये हाथ रखा जाए। Okay, free kick, कोई भी kick मिले। This part is clear. So personal hygiene, societal hygiene, we have to keep our area clear. Again, waste घर पे है, dry waste, wet waste, हटाओ। So that water ये जो pimples है, दबा के निकालना नहीं है। It will come. Use proper आपके cleansing lotions आते हैं। Face अच्छे अच्छे lotions आप उसमें use करो। कुछ नहीं है, नेचुरल है, कौन सा है, हल्दी, गुड गुड फॉर योर बॉडी, कर्ड गुड, यू शुड हैव गुड फूड विच कूल्स योर बॉडी, तब ये प्रॉब्लम भी बहुत आएगा नहीं। ओके, अबाउट एनवायरमेंटल हाइजीन मैंने बोला हुआ, यू हैव टू कीप योर एनवायरमेंट क्लीन। मेंटल हाइजीन, आप पर्सनल हाइजीन आपको संभालोगे, आपको मेंटल क्या करना है, आप खुद से हैप्पी हो, यू कैन मेक अदर्स हैप्पी। खुद से आप हैप्पी नहीं है, you will be like a chick chick, I will try to have this chick chick growth.
ओके।